तस्वीरें दो अलग अलग देशों की, लेकिन हालात एक जैसे हैं। एक बार फिर दहशतगर्दों ने आतंक का खूनी खेल खेला है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती हमला हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जोरदार धमाके से दहल उठी। पहले आप पाकिस्तान की ये तस्वीरें देखिए, जहां की प्रमुख दरगाह दाता दरबार के बाहर बुधवार को हुए आत्मघाती हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुलिस वाले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमले में 25 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार हमले में पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद से ही इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंच गए और पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। तो वहीं काबुल का शरेनौ इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। इसी इलाके में छोटे हथियार से गोलियां चलने की आवाज भी सुनी गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुए इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने अभी तक नहीं ली है, लेकिन रमजान के महीने में आतंकियों ने दहशत फैलाकर एक बार फिर बता दिया है कि इंसानियत से उनका कोई वास्ता नहीं। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।